लेटेस्ट न्यूज। जिस तरह लोग कौम के नाम पर आपस में दंगे करते हैं और राजनीतिक पार्टियां दंगों की आड़ में अपना नाम कमाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन संभल के बीरपुर निवासी रियासत ने समाज को कौमी एकता की नई मिसाल पेश की है। जहां श्रावण मास में शिव भक्त हिंदू धर्म के लोग भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं और दूर दूर से गंगा के जल को लेकर आते हैं, उसी तरह से खेड़ा फतेहपुर निवासी रियासत की शिव भक्ति देखने को मिली। रियासत मुस्लिम समुदाय का होने के बावजूद भी 20 सालों से संभल के गुन्नौर तहसील के साधुमणि आश्रम में बने शिव मंदिर आकर भगवान शंकर की पूजा करते हैं और इस बार रियासत ने गौमुख से गंगा जल लाकर भगवान शंकर का जलाभिषेक किया। बताते चले कि उन्होंने नंगे पैर गौमुख से कांवर उठाई और संभल तक पहुंचे। संभल से शाहरुख की रिपोर्ट। अच्छा, ये जो है इस तरीके से जैसे लोग हमारे धर्म से जो घृणा करते हैं आपके, तो आप उस तरीके से जल लेके भर के आए, तो आपने क्या प्रतीक दे रहे हैं आप जो है जनता के लिए? जनता के लिए सुख शांति दे रहे हैं। तो आपने कैसे सोचा कि मैं ये, आप अलग धर्म से हैं और मैं आज से 20 साल पहले से मंदिर आता जाता रहता हूँ। सात मही गंगा भी नहाते हैं क्या? हाँ जी, गंगा जी नहाते हैं। एतवार तो आपके बच्चे, आपके लड़के या आपके परिवार के लोग कोई आपका कोई विरोध या आपके कोई पड़ोसी? कोई विरोध नहीं करते। अच्छा,